जी तो व्यूअर्स, आप सब लोगों को मेरा सलाम। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को किस तरह से हल करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस, क्लास है हमारे पास 9th, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का, कि इसको हमें किस तरह से हल करना है। रीड करते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इन मैट्रिसेस के हवाले से हमें क्या मालूम करना है, हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है। कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया तो उसका डिटरमिनेंट कैसे मालूम करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो डिटरमिनेंट व्यूअर्स मालूम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हमने इस तरह से लिखना है, यानी कि मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और उसके अगर दो लाइनें लगा देंगे स्ट्रेट। इसी तरह से फिर दो लाइनें और लगाएंगे स्ट्रेट लाइनें, जहां एक ब्रैकेट होती है जो कि इधर लगी हुई है, ब्रैकेट नहीं लगानी, स्ट्रेट लाइंस लगानी है, ठीक है। और ये माइनस वन वैसे के वैसे हमने इसका मैट्रिक्स लिख देना है 1 और ये 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने दोबारा से वही मैट्रिक्स का नाम, अब असल काम यहां से स्टार्ट होगा। दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना होता है, इस स्टेप पे आके हमने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल्स की वैल्यू को। कौन सी डायगोनल, यानी कि मेन डायगोनल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम करेंगे मेन डायगोनल की वैल्यू को। मेन डायगोनल हमारे पास ये है, मैंने रेड से इसकी लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। और अदर डायगोनल मेरे पास ये है जिसको मैंने ग्रीन से लाइने लगाई है, ठीक है। तो मैं मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, इसके ग्रेट मैं ब्रैकेट लगा देता हूं और माइनस का निशान लगाऊंगा, ठीक है। इससे मैंने माइनस कर देना है कहां से, अदर डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन से। तो अब अदर डायगोनल की इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट शुरू 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया है कि इस दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए मैंने मेन डायगोनल और अदर डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। ये मेन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये अदर डायगोनल की हो रही है, और इसके दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से ए डिटरमिनेंट का फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, जब माइनस वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। माइनस टू जब मल्टीप्लाई बाय 1 से होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 1 2, ठीक है। तो अब ए डिटरमिनेंट का जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, ए डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास -2 जो है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, मैट्रिक्स डी का भी डिटरमिनेंट मालूम करना है। जब मैट्रिक्स डी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आसानी से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो बी मैट्रिक्स को अगेन वैसे लिखेंगे, बी मैट्रिक्स सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 -2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स के लिए मेन डायगोनल की एंट्रीज और अदर डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास मेन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये अदर डायगोनल कौन सी है, ये। अब मेन डायगोनल और अदर डायगोनल की एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, तो मेन डायगोनल में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -2 है और माइनस का निशान लगाएंगे, अदर डायगोनल की एंट्रीज है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद हम बी डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, माइनस का निशान 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो बी डिटरमिनेंट will be equal to -8। इस तरह से करके हमारे पास -8 बी डिटरमिनेंट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स सी दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। इसका डिटरमिनेंट भी वैसे ही मालूम होगा सी, और इसके बाद हमने ये मैट्रिक्स को लिखना है 3 2 3 और ये 2, और इस तरह से करके पहले मैट्रिक्स को बना लेना है। उसके बाद सी डिटरमिनेंट हमने मालूम करना है। सी डिटरमिनेंट के लिए अगेन मेन डायगोनल की एंट्रीज
मल्टीप्लाई होंगी अदर डायगोनल की एंट्रीज के साथ। तो मेन डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास हैं 3 और 2, मल्टीप्लाई होंगे माइनस अदर डायगोनल की एंट्री भी 3 और 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से करके हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर अगले स्टेप के अंदर भी हमने क्या करना है, सी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो सी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब इधर हमारे पास सी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो गया। अब ए का भी डिटर्मिनेंट मालूम हो गया, बी का भी, सी का भी। अब आखिर में हमने डी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डी का डिटर्मिनेंट देखते हैं कि किस तरीके से हमने मालूम करना है, क्या तरीका कार हम फॉलो करेंगे। अगेन सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका असल में नाम नहीं लिखा हुआ, ये डी हम कर लेते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास सबसे पहले 3, 2, 1 एंड 4 ये हमने मैट्रिक्स की शक्ल बना ली। उसके बाद डी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू अब मेन डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन और अदर डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन डायगोनल कौन सा है, मेन डायगोनल को हम रेड से शो कर रहे हैं, तो मैं यहां भी रेड से करता हूं। मेन डायगोनल, अदर डायगोनल, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन शो करनी है हमने। मेन डायगोनल की करेंगे तो 3 times 4 माइनस, अच्छा उसके बाद 1 times 2 ठीक है। इस तरह से करके हमने अदर डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना, दरमियान में माइनस का साइन। अब डी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12, माइनस 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से डी डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे, डी डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। तो देखा व्यूअर्स कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर डिटर्मिनेंट मालूम करना था, हमने दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्सेस दिए गए हैं और उन मैट्रिक्सेस के बारे में क्या पूछा गया है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो मैं व्यूअर्स आप लोगों को बताता चलूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई वैल्यू आती है तो वो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। तो देखें अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, ये मैट्रिक्स इसमें 0 नहीं है डिटर्मिनेंट, तो ये नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने हर मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर उसका जवाब 0 के बराबर आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर 0 के अलावा कोई नंबर होगा नॉन जीरो डिजिट आंसर आएगा तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर डी मैट्रिक्स इसमें दिया गया, मैंने इसका फोर्थ पार्ट उठाया है जबकि इसमें दिए गए टोटल 1 to 4 टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो फोर्थ वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1, 2 और 3 पार्ट आप घर आसानी से कर सकते हैं। तो डी मैट्रिक्स का अब हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डी मैट्रिक्स को सबसे पहले हम शक्ल इसकी सेट करेंगे 5 -10 -2 और 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अब मेन डायगोनल और अदर डायगोनल हम देखेंगे, इसमें मेन डायगोनल ये है, अदर डायगोनल हमारे पास ये हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 माइनस का निशान लगाएंगे, अदर डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे -2 × -10 ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, डी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 5 × 4 = 20 माइनस, जब -2 − 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 2 = 20 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस का 20 हो जाएगा, 20 − 20 हमारे पास जवाब क्या आएगा डी डिटर्मिनेंट का इज इक्वल टू 0। अब चूंकि जवाब 0 आ चुका है इज इक्वल टू, तो हम ये कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स।
ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर इसका जवाब जीरो के अलावा कोई वैल्यू आती हम कहते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो लिहाजा इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये डी पार्ट अटेम्प्ट किया है, इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप घर पे बैठ के आसानी हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 5 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना सीखेंगे। थैंक यू।